नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। सीटी स्कैन जब आप कराते हैं सीने का, तो उसके अंदर एक पैरामीटर दिखता है, कोराइड स्कोर। और इस कोराइड स्कोर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। लोगों को लगता है कि ये उसकी सीवियरिटी को बताता है कि कितना सीवियर है या कितना ज़्यादा गंभीर हो चुका है, इसके बारे में वो बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोराइड स्कोर केवल आपकी शरीर में कोरोना का इन्फेक्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इसकी जो आशंका होती है केवल उसके स्तर को वो बताता है। जैसे अगर आप कोराइड स्कोर को आप देखें, तो ये 1 से लेके 6 तक के अंक के बीच में इसको गिना जाता है। तो किसी के रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कोराइड 1 लिखा हुआ है, तो किसी के रिपोर्ट में कोराइड 2 लिखा हुआ है, किसी के रिपोर्ट में आपको कोराइड 3, किसी में 4, किसी में कोराइड 5 और किसी में कोराइड 6 देखने को मिलेगा। तो ये जो स्कोर है, ये 1 से 6 के बीच में ही आंका जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इससे आकलन क्या निकलता है? तो जब आप सीटी स्कैन के रिपोर्ट को देखते हैं, तो उसके अंदर अगर कोराइड 1 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि निमोनिया नहीं है। कोराइड 2 अगर लिखा हुआ, ये अगर स्कोर आया है, तो इसका मतलब होता है कि निमोनिया नहीं है, लेकिन कुछ दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा, अगर कोराइड 3 अगर स्कोर आता है, तो उसका आकलन ये होता है, उससे ये समझ में आता है कि डाउटफुल है, क्लियर नहीं है कि कोरोना का ही निमोनिया है या कोई और तकलीफ है। तीसरा, उसके बाद आता है कोराइड 4। अगर कोराइड 4 है, तो फिर ये हाई चांसेस माना जाता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, सिम्टम्स उससे मिलते जुलते हैं। और अगर कोराइड 5 आ जाता है स्कोर, तो कोराइड 5 का मतलब ये होता है कि कोविड कन्फर्म्ड है। और अगर कोराइड 6 आ जाता है, तो कोराइड 6 का मतलब डेफिनेटली वो कोविड ही है। तो ये केवल आशंकाओं का स्तर बताता है। जैसे कोराइड 1 माने निमोनिया नहीं है, कोराइड 2 माने कुछ निमोनिया नहीं है लेकिन कोई और दूसरी समस्या हो सकती है, कोराइड 3 माने निमोनिया है लेकिन कोविड का है या नहीं है इसमें आशंका है, कोराइड 4, तो कोराइड 4 का ये मतलब हो जाता है कि चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि कोविड का निमोनिया हो। और जब कोराइड 5 आ जाता है, तो इसका ये अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो निमोनिया हुआ है वो कोविड का निमोनिया हो। और अगर कोराइड 6 है, तो फिर वो कन्फर्म्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं कोरोना इन्फेक्शन के, कोविड-19 वाले निमोनिया के। इसके साथ अगर RT-PCR भी अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो वो एकदम कन्फर्मेशन हो जाता है। तो ये जो कोराइड का स्कोर है, ये आपको कभी भी सिवियरिटी को नहीं बताता है, केवल आशंकाओं का एक ये कह सकते हैं कि रेटिंग है कि किस स्तर पर होगा, तो उस आशंकाओं का क्या प्रतिशत हो सकता है। तो कोराइड जो है, वो केवल आपको इसी के बारे में जानकारी देता है।